तो फ्रेंड आज की वीडियो ना उन लोगों के लिए जो कि अपनी पार्टनर से हद से ज्यादा प्यार करते हैं और कोई कारणों के चक्कर में उनका ब्रेकअप हो गया हो और वो बहुत ही ज्यादा सैड रहते हैं और उनके मन में एक ही बात चलती है कि यार मैं ऐसा क्या करूं जो मेरा पार्टनर मुझे फिर से मिल जाए। हालांकि फ्रेंड इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, ये पार्ट टू है, जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि भाई वो वीडियो आपकी बहुत ही अच्छी लगी कि आप इस पे पार्ट टू बना सकते हो, तो फ्रेंड मैंने पार्ट टू बना दिया है। फ्रेंड अगर आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है ये तो बहुत ही अच्छी बात है और मैं दुआ करता हूँ कि कभी आपका ब्रेकअप हो भी ना, पर आप इस वीडियो को देखकर ये बात समझ सकते हो कि ब्रेकअप के दौरान क्या क्या करना चाहिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे इस वीडियो को एंड तक देखना यार, तभी आपको एक एक पॉइंट सही तरीके से समझ में आएगी। तो फ्रेंड हमारे चैनल पे अगर नए आओ ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दबा दो नोटिफिकेशन बेल को, और इतने ही फ्रेंड प्लीज हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। अगर आपको वीडियो एंड तक देखने में अच्छी लगती है तो प्लीज यार लाइक करना जरूर, आप अपनी तरफ से एक लाइक तो बनता है यार। अब चाहते हो कि बात किसी और पास चले तो उसके साथ ही वीडियो शेयर भी करना यार, ज्यादा टाइम पास करना, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। Погребенные в землю black metal lifestyle пожинаю сею, те мрази все вышли из дьявола семьи. तो फ्रेंड कई बार ऐसा होता है ना जब हमारा किसी के साथ ब्रेकअप हो जाता है, देन हम उसके बाद उसे सोचते हैं कि यार अब इसे वापस कैसे पाया जाए या फिर हम ऐसा क्या करें जिसके कारण वो हमारा फिर से हो जाए। तो ये फ्रेंड कई बार ऐसा होता है और अक्सर आपने देखा भी होगा जो आपका पार्टनर होगा जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया होगा, या तो वो खुश नहीं रहता होगा या तो आप खुश नहीं रहते होंगे, और उसके बाद अगर आप सोचते भी हो कि यार मैं उसे कैसे पालूं, तो फ्रेंड सोचते रह जाओगे और वो आपका नहीं होने वाला है जब तक आप कुछ काम नहीं करने वाले हो। अब जैसे कि देखो फ्रेंड आप थोड़ी बहुत हिम्मत भी दिखा देते हो जिसके कारण आप उसे मैसेज करते हो या फिर कॉल करते हो या फिर वो आपको कॉल करता है मैसेज करता है, और उसके बाद आप इतने एक्साइटेड हो जाते हो कि एक्साइटेड मारे आपके मुंह से कुछ भी निकल जाता है जिसके कारण आप और दूर चले जाते हो। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है क्योंकि हबर दबर में हर कुछ काम फ्रेंड खराब ही होता है। तो बात करते फ्रेंड अब आपको करना क्या है। देखो फ्रेंड आपको नॉर्मली उससे फ्रेंड के तरीके से बात करनी है, ऐसा उसको प्रतीत करवाना है, मतलब कुछ ऐसा दिखाना है कि आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है एंड ज्यादा आप सैड नहीं रहते हो, तो इस तरीके से उसको लगेगा कि चलो यार लगता है ये बात सारी भूल गई है, देन ये अभी हैप्पी रहती है तो मैं इसके लाइफ में वापस आ जाता हूं। और अगर वो ऐसा नहीं भी सोचती है या फिर सोचता है, तो अगर जब आपको हैप्पी देखेगा या फिर देखेगी तो वो आपकी लाइफ में आने की जरूर सोचेगी। क्यों? क्योंकि सोचेगी वो कि यार लगता है कुछ ज्यादा ही सैड रहता है फिर ज्यादा ही कुछ हैप्पी रहता है, तो मेरे को इसके लाइफ में फिर से आ जाना चाहिए वरना मेरे को ऐसे कहाँ मिलेगा जितना जी प्यार मेरे को करता था। फ्रेंड कई बार ऐसा होता है ना जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है, देन हम ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं आगे चल के कुछ ठीक हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा जरूर होगा जिसके कारण हम वापस पास आ जाएंगे, पर फ्रेंड ऐसा नहीं होता है। कई बार आपने ये भी चीज नोटिस किया होगा कि उस बात का कोई और फायदा उठा के उसे अपना बना लेता है और आपको उससे और दूर कर देता है। तो फ्रेंड ऐसा मत सोचिए कि आप बैठे रहोगे और वो आपके पास आ जाएगा, नहीं, आपको यही करना है कि आप उसे नॉर्मली जाके उससे बात करें, फ्रेंडशिप की तरह बात करें जैसे आप फ्रेंड हो, और ध्यान रहे फ्रेंड आप उस बात पर बिल्कुल भी नहीं डालोगे कि फिर आपने मुझे छोड़ा क्यों या फिर अब तुम कैसी हो उस बात को भूलने के बाद, अब तुम खुश रहती हो या नहीं रहती। फ्रेंड ऐसी आपको कोई भी बातें नहीं करनी, आपको नॉर्मली बातें करनी है जैसे फ्रेंड लोग करते हैं। फ्रेंड कई बार ऐसा होता है ना जब हमसे बात करने को मिलता है उससे, तो हम सोचते हैं अब उसको अपनी पर्सनल फीलिंग बताएंगे या वो हमारी फीलिंग समझेगा, पर अधिकतर फ्रेंड ऐसा नहीं होता है। अगर आपके सामने बोलते हो कि जब तुम मुझसे बात नहीं करती थी ना तो मैं बहुत ही बहुत रोता था, मन ही मन तड़पता था और इतने ही मेरा किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता था, तो इस तरीके से फ्रेंड आप क्या जाहिर कर रहे हो कि आपकी कोई वजूद नहीं है। तो फ्रेंड ऐसी गलती आपको नहीं करनी है क्योंकि फ्रेंड जगह अगर आपका वजूद ही नहीं है तो वो आपका पार्टनर आपको क्यों रखना चाहेगा अपने पास या फिर क्यों अपना दिल देगा वो आपको। इसीलिए फ्रेंड अगर बाय चांस आपका कभी ब्रेकअप हो जाए, वैसे तो मैं चाहता हूँ कि कभी ना हो फ्रेंड, पर बाय चांस अगर हो जाए तो आप उससे बिल्कुल भी सैडली बातें ना करें। अगर आपको बात करने का मौका मिलता है तो नॉर्मली तरीके से बात करें कि उस लड़की को लगे या फिर उस लड़के को लगे कि चलो वो सब बात बीती हुई थी, वो भूल गए, कोई बात नहीं, अब नया प्यार को नए तरीके से शुरुआत करते हैं। तो अगर इस तरीके से आप बात करोगे तो आपका पार्टनर आपके पास वापस आ जाएगा। पर फ्रेंड ध्यान रहे हैप्पी होकर बात करना, कॉमेडियन भी बात कर सकते हो जिसके कारण वो लड़की आपसे फिर से इंप्रेस हो जाए, फिर वो लड़का फिर इंप्रेस हो जाए। फ्रेंड हर कोई चाहता है अपने लाइफ में अपने लाइफ का जो हमारा पार्टनर हो वो हमेशा खुश रहे और हमें भी खुश रखे और इतनी मजेदार बातें करे जो हमें हमेशा दिल में लगा के रखे रहे उस बातें को। इसलिए फ्रेंड हमेशा खुश रहना सीखिए और उसे जब भी बातें करिए तो एकदम हैप्पी मूड से बातें करिए कि ना चाहते आप सबको अट्रैक्टिव लगो, क्योंकि फ्रेंड जो इंसान हंसता रहता है उसमें सभी की दिलचस्पी रहती है, अगर आप भी हंसते रहते हो तो आप में भी दिलचस्पी उसकी लगी रहेगी। तो फ्रेंड इस तरीके से आप अपने पार्टनर को वापस पा सकते हो। अगर फ्रेंड अपने पार्टनर को ऐसे वापस पा जाओ तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अंत तक देखने में अच्छी लगी हो तो प्लीज यार इस पर गुजारिश है आपसे, आपका एक लाइक प्लीज यार इस वीडियो पे जरूर करना। और अगर आप चाहते हो कि ये बात किसी और पर चले, जैसे आपके किसी फ्रेंड के साथ ऐसा हो रहा हो एंड उसको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करना चाहिए, तो आप चाहो तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करें और उसे बता सकते हो कि भाई देख ऐसा कर। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और हाँ फ्रेंड प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत यार, और हमारे सेकंड चैनल को भी। तो मिलते हैं अगली बार प्यारे से, तब के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।